बाद हम सीखेंगे क्या इंडिया का चैनल है। हिंदी बोल, हिंदी तो बोल रहा हूँ। क्या करता है? ठीक है ठीक है, तो आज हम सीखेंगे दो ठो एम्बाप्पे का स्किल और दो ठो नेमार का स्किल। तो फर्स्ट नेमार का स्किल नाम यहाँ पर आ जाएगा, पता नहीं इसको क्या बोलते। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डिफेंडर प्लीज कम इधर। तो डिफेंडर जब दूर रहे तभी करना है, यहाँ पास में पहुँच के मत करना। हाँ यहीं से करना बस, ठीक है जब। तो इसमें करने के लिए देख सकते हैं, राइट पैर बॉल का एकदम पीछे और लेफ्ट पैर इधर से स्टेप ओवर, इनसाइड स्टेप ओवर। ये देखिए ये तो इनसाइड स्टेप ओवर, फिर इससे हल्का टच, समझ रहे हो? इससे लेफ्ट से इनसाइड स्टेप ओवर, राइट पैर से हल्का टच। जब ये आगे चला जाएगा तब यही राइट पैर से यहाँ से घूर जाएगा इनसाइड स्टेप ओवर, फिर इसी से आउटसाइड ऐसे। तो इधर से देख लीजिए, ये इनसाइड स्टेप ओवर, इससे हल्का टच। अब यही पैर इधर से घूर के आएगा ये इनसाइड, फिर इसी से आउटसाइड टच और इधर ही चले जाइए। ये दिखी नहीं, समझ रहे? आगे आगे समझ रहे हो? आगे थोड़ा और आगे चलेगा। तो ऐसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ठीक। और ये एक साथ होगा, लेफ्ट पैर जाएगा तभी ये पैर भी जाएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे फिर इसके बाद ये मारो फिर ऐसे, नहीं स्टेप नहीं, मतलब जल्दी एक साथ ये एक साथ, ये जंप को एक साथ करना है। हाँ ये जंप करते हो, ये एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है, ये इसी के आज का हो गया ये फर्स्ट। अभी सेकंड एम्बाप्पे का स्किल, ये बहुत सिंपल है। ये डिफेंडर इधर जैसे, तब अगर आप खड़े रहे और डिफेंडर आपके तो डिफेंडर आपके अगर इधर ही रहेगा, ठीक है? तो डिफेंडर आपके यहाँ पर रहेगा, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ईजी है। हाँ चल जाओ इधर 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 एक बार इधर भी, हाँ मतलब इतना दूरी में ही ऐसे, ठीक है? तो ये भी बहुत आसान है, इसमें सिर्फ ये आउटसाइड स्टेप ओवर करना है सिर्फ राइट पैर से। और अगर लेफ्टी है आप तो लेफ्टी से करिए, और राइटी है तो राइटी से करिए। ये भी सिंपल है, एकदम सिंपल, पास आके दिखा रहा हूँ। ये पैर यहाँ पर, ये पैर यहीं पर रहेगा, लेफ्ट पैर राइट पैर से, ये एक दो, फिर आउटसाइड से इधर डिफेंडर का उधर दूर, फिर बॉल के साथ चला जाना है। हाँ इसी को ये वन टू ऐसे, और जंप जब लास्ट जब आउटसाइड टच करोगे उस टाइम ये जंप, ये वन टू ये जंप, समझा? जब ये आउटसाइड टच होगा तब पैर इधर चला जाएगा, ये लेफ्ट पैर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हाँ ये और डिफेंडर की सब एक कर देगा। अब नेमार का तीसरा स्किल, आई मीन अभी वीडियो का तीसरा स्किल, ये कुछ ऐसे, ये डिफेंडर डिफेंडर पीछे रहेगा, तब जब पीछे डिफेंडर रहेगा, ये आ रहे बोल जा रहे पीछे डिफेंडर आओ, पीछे डिफेंडर आ रहे, ये कर दो बस, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही करना है जब डिफेंडर आपके पीछे रहेगा तब। ये बहुत ही सिंपल है, राइट पैर से ही करना है, लेफ्ट पैर से नहीं। तो लेफ्ट पैर यहीं पर रहेगा, राइट पैर से ये इनसाइड, इनसाइड नहीं अंदर का, ये अंदर का हिस्सा जो होता है, हाँ कि नहीं, ये अंदर का हिस्से इधर ऊपर से, ये देखिए ये हिट इनसाइड से हिट करना है, ऐसे जाके इनसाइड से हिट। और जब इनसाइड से हिट करोगे ये, तब ये लेफ्ट पैर ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा ऊपर, ये देखिए ये ऊपर उठ जाएगा और जगह देगा यहाँ पर बॉल को जाने के लिए, ठीक है? इसको जंप करेगा ये, हाँ हमेशा जंप, ये जंप, ये जंप, डिफेंडर पीछे आ रहे देख रहे हो,
ये जंप हाँ, इसको प्रैक्टिस करिए तभी हो जाएगा। तो फिर अभी कितना नंबर स्किल आएगा यहाँ पर? ये अभी कुछ इफेक्टिव लगा नहीं। डिफेंडर को जो कैसे थकाते हैं। इसे भी अगर डिफेंडर आपके आगे हो तो ठीक है, इधर हाँ आगे रहेगा तो ही ये तो ये तो थका जाएगा आगे। नहीं तो चले जाओ डिफेंडर। तो यही बात है, इसमें भी इसमें लेफ्ट पैर काम आता है। लेफ्ट पैर से ये लेफ्ट पैर के नीचे का हिस्सा से इसको सूल भी बोलता है। तो सूल से बॉल को राइट का तरफ ड्रैग कर रहे हैं ये पैर यहाँ पर। और सिंपल राइट पैर का नीचे का हिस्सा से ये भी नीचे के हिस्सा से इसको बैक कर देना है और खुद भी चले जाना है बॉल के साथ। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। इधर से भी देख लीजिए ये बस बहुत सिंपल है, एकदम इजी। कोई कुछ नहीं, ये इधर से ऐसे जा के ये इधर से। अब डिफेंडर आइए फिर से समझाता हूँ, वरना ये लोग समझ नहीं पाते। जब डिफेंडर आपके आगे रहेगा तब ये ऐसे इसको ऐसे, तब डिफेंडर ऑटोमेटिक थका गया ठीक है। तो वही ये भी वैसे, और इसको स्पीड में करना है एकदम ऐसे ठीक है। इसको स्पीड में करना है एकदम स्पीड में। बोल रहा हूँ क्या बोल चला गया ठीक है। तो अभी आएगा लास्ट नेमार का हिकअप, रेनबो हिकअप। सिंपल है, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। दिख रहा है क्या? निमित जब रहेगा डिफेंस का ऊपर से ले जाना है हाथ यहाँ पर आगे बस ठीक है। ये देखिए हाँ, लिमिटर के ऊपर से ले जाना है जब ठीक है। नहीं और इसको जितना से ऊपर उठाना है। तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट पैर आगे पोजिशन ऐसे, लेफ्ट आगे हाँ, राइट पैर से बॉल को ले जाइए और ज्वाइंट कर दीजिए। मतलब ये लेफ्ट पैर आगे इधर है डिफेंडर, लेफ्ट पैर आगे इससे ज्वाइंट हो गया। अब चिपक गया, अब उठेगा। अब लेफ्ट पैर से थोड़ा सा ऐसे उठाइए कि ये उठेगा। ये जब उठेगा तब जंप करना है, ये जंप ये। अरे कैमरा को ना लग जाए, दे दे दे, देने में इतना देरी कर रहा है। तो वैसे मतलब जैसे ये इसको ऊपर चढ़ाइएगा और जंप करके इससे ये क्लिक उठ जाएगा ये ऐसे, समझ रहे हो? इसको स्पीड में करना है, ये उठेगा ये जंप हाँ ऐसे इधर से जाएगा ऐसे। समझ गया कुछ ऐसे ही है हाँ, आगे रहेगा तब। और इसको मैच में कभी ट्राई मत करना, मतलब अगर पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम तक दोगे तभी करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर। तो वैसे ही है ये भी ऐसे ठीक है, एकदम डिफेंडर के ऊपर से जो हम पहले दिखाया एकदम ऐसे। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इतना मेहनत करना पड़ता है, पसीना गिर जाता है यहाँ पर। तो ठीक है चलते हो, आज के लिए बस इतना ही। रखो बॉल को, फोन सच में लग गया। हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।